खाते शाखा कार्यालय से संपर्क करें। श्रद्धालु हाँ यार नहीं, एक ये और एक समोसा लगा दो पत्ते वाला। इसको अभी भी खाना बनाना नहीं आया, बचपन से ऐसी है ये, एक नंबर की गधी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, जैसा कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारी गाड़ी हो गई थी हरिद्वार में ख़राब और हम बस से आए थे, तो अब हम एक हफ्ते बाद जा रहे हैं, मेरे बर्थडे से एक हफ्ते बाद हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो हम जा रहे हैं वॉल्वो से रात को 1:30 बजे गुड़गांव से हरिद्वार। तो अब हम पहुँचेंगे हरिद्वार जैसा, और फिर हम आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हरिद्वार आ चुके हैं और ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा, सर्दी भी गर्मी का नज़ारा, और यहाँ पे कितनी ही साफ़ सफाई है वो तो आप देख ही रहे होंगे। तो जहाँ पार्क गाड़ी पार्क होती है, हाईवे की साइड कितनी गंदगी है, तो ये हरिद्वार का नज़ारा। तो पता नहीं क्यों नहीं यहाँ कचरा सब फेंक देते हैं स्टार्टिंग में ही, पता नहीं भगवान, सभी जगह ये सब होता है, सफाई तो दिल्ली या कहीं भी हो सब जगह यही हाल है, तो हरिद्वार में भी कुछ यही हाल है। तो गर्मी तो शुरू हो चुकी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मौसम सही था, पहाड़ों में थोड़ा सही लगता ही है, उमस वाली गर्मी फिर भी नहीं थी तो अच्छा लग रहा था। और उस दिन पूर्णिमा थी तो गंगा स्नान तो बनता ही है पूर्णिमा के दिन। तो ये शुरुआत हो चुकी है हर की पौड़ी की जाने की, तो जहाँ पे आपको बहुत सारा सामान वगैरह मिल जाएगा, मतलब मार्केट शुरू हो जाएगी जहाँ पे कपड़े और जो लोग ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो गंगा मैया जी आ चुके हैं, सब लोग गंगा मैया के दर्शन कर लो। तो हर की पौड़ी के रास्ते ही है ये, अब यहीं से हम जा रहे हैं। तो देखिए भीड़ तो रहती है हरिद्वार में, और गंगा जी के पवित्र दर्शन कीजिएगा, और कितना बहाव है गंगा जी का। जय गंगा मैया, सब लोग कमेंट में जय गंगा मैया ज़रूर लिखिएगा, आप गंगा मैया के दर्शन करा दिए मैंने। तो हर की पौड़ी पर हम जाएंगे, इतनी भीड़ नहीं जितनी भीड़ उस टाइम पे थी जब हम आए थे गंगा दशहरा वाले दिन। और एक पेड़ था, ये आपने और जगह भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये ना सूखा हुआ, इसके साइड में सूखा हुआ रखा था ये देखो, और ये हरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है पानी में से रखते, तो बोला 5-6 साल ऐसे ही रहेगा ग्रीन, पता नहीं किसने लिया हो तो मुझे बताना इसका मेन क्या है। फिर मैं गंगा जी नहाने चली गई हर की पौड़ी पर, बहुत ही चिल्ड, बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ही ठंडा। तो मेरे काफ़ी प्रयास के बाद मैं डुबकी लगाई थी, जय गंगा जी का नाम लेके सबके नाम की डुबकी लगा दी, जो कई फैमिली मेंबर हैं तो पूरा तो प्रॉपर नहीं लगा पा रही थी। और एक साइड में आंटी जी देखो खुजा रही हैं अपना सारा मैल, यहीं गंगा जी में निकालेंगी लगता है, बहुत सारे पाप किए इन्होंने, सही है यहीं पर अपने पाप को धो के जाएंगे। और मुझे इतना ठंडा पानी लग रहा था और मेरे कानों में ना पानी पहुँच चुका था, तो फिर भी मैंने सोचा मैं डुबकी तो सबके नाम की लगा के ही आऊँगी बहुत। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि ना ऐसा रहता ठंडे पानी से ना बहुत ही, मतलब एक हीलिंग टाइप की हो रही है, तो बहुत जैसे हमको गर्म से ही हम लोग सेकते हैं ना ऐसे ठंडे से भी सिकाई होती है, तो पैरों में बहुत दर्द था वो भी दूर हो गया था। लेकिन देखो मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे से डुबकी लगा रहे हैं, मेरे को नहीं लगाई गई, वो पानी से डरते, लेकिन मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। ये देखो बाल कैसे हो जाते हैं ना, फिर थोड़े से सूख भी रहे थे ऊपर के, बाकी सब गीले थे तो ऐसे हो गए थे बाल, और फेस की तो हालत मेरी गजब ही हो रही थी और टैन हो रहा था क्योंकि काफ़ी देर से मैंने ध्यान ही नहीं दिया फेस पे बिल्कुल भी। ये देखिए डुबकी मार के आए बहुत देर तक, मैं तो बहुत जल्दी आ गई थी, और बाल तो मेरे घुंघराले सो रहे हैं, कंघा नहीं लगाया ना अभी, तो मेरे काम ही बोल रही, मेरे कानों में ना पानी चला गया और मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा था पानी से, मेरे को पता नहीं कितनी देर में पानी निकलेगा और मेरा दर्द कानों का दूर होगा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कानों में पानी क्यों चला जाता है, तो दर्द होना शुरू हो गया था, मेरे को सर में भी हो रहा है पानी से, बट वो थोड़ी देर में ना ठीक हो जाएगा अपने आप, मैंने बोला ठीक हो गया था। ठीक है तो अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का और भी नज़ारा। तो ये देखिए घंटाघर दिख रहा होगा आपको दूर से, तो घंटाघर की तरफ चलते हैं। तो ये देखो ये आ चुका है घंटाघर, यहाँ पर घड़ी लग रही है ना आपको दिख रही होगी, बट वो घड़ी ख़राब है, वो सही से नहीं चल रही, इन्होंने सही नहीं कर रखी घड़ी लगता है। अब भीड़ तो यहाँ हमेशा ही रहती है, भीड़ का तो क्या ही बोलो, चाहे कितनी बाढ़ आ जाए कुछ भी आ जाए भीड़ तो रहेगी रहेगी हरिद्वार में, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हरिद्वार तो हरिद्वार अच्छा भी लगता है, हरिद्वार आके देवभूमि है और
शांति भी मिलती है यहाँ पे, अच्छा लगता है। तो यहाँ की जो स्ट्रीट फूड तो बहुत टेस्टी होता है हरिद्वार का, तो जो ये ग्रीन वाले पत्ते में देते हैं तो हम तो खाना ही था जब आए थे, और हम जब थोड़ा सा चलते हैं ना तो वैसे ही पच ही जाता है, तो सोचा चलो खा ही लो। तो फिर से हम अपना खा रहे थे, तो ये देखिए ले लिया हमने अपनी कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी, जो है बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने में, क्योंकि जब हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं ना तो ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं। आप लोगों ने कभी जाएंगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हमें छोले चावल खाए, जिसके साथ हमको सैलेड भी मिला था। ये कुछ ना फेमस सी दुकान सी लग रही थी, और ये चावल दिए थे तो मुझे ज़्यादा अच्छे तो नहीं, बट ओके ओके सही लगे, इतने भी बुरे नहीं थे बट ठीक थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी तो हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं, ठीक है। और इन्होंने इसके साथ ना ये पानी सा दिया था, पता नहीं क्या था, इसमें तेल सा भी था, बट मेरे को नहीं अच्छा लगा। ये भगवती कुछ रेस्टोरेंट था, ठीक है, वहीं हरकी पौड़ी के पास है। उसके बाद हम सर्विस सेंटर पे आए थे अपनी कार लेने के लिए, और पूरा दिन हो चुका था, उन्होंने कुछ ना कुछ सही करना था, तो कार जैसी ठीक होगी वैसे हम घर जाएंगे। तो फाइनली कार ठीक हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं, बताओ कहाँ जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पहुँचने के लिए, बस आपको पहुँचते ही दिखाती हूँ कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी दोस्त के पास, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड जो रहती है, मेरी लंगोटिया रिया रहती है हरिद्वार में, जहाँ सर्विस सेंटर था उसके पास ही इसका घर था। ये सुबह से शाम तक की हालत, मेरी दोस्त ने मेरे लिए बनाया पनीर आलू, इसे पानी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसको अभी भी खाना बनाना नहीं आया, बचपन से ऐसी है ये, एक नंबर की गधी। नहीं, इसकी तारीफ ही है कि काम तो कर लेती है लेकिन अच्छा नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है, वो तो मैं मजाक कर रही हूँ। तो दोस्तों अब हम खाएंगे खाना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कल देखते हैं हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।